अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब एंड FB फैमिली, आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा मुकद्दस हाजिर है आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ, एक बहुत ही अच्छी डे क्रीम के साथ। डे क्रीम आपको बनाना सिखाऊंगी जो आप लगाकर अपनी स्किन को बहुत ही ब्राइट और ग्लो कर सकते हैं। मॉनसून ख़त्म हो चुका है, दिन के टाइम गर्मी होती है लेकिन पंखे की हवा ठंडी हो चुकी है, रातें ठंडी हो चुकी हैं, सुबह और शामें हल्की हल्की ठंडी हो चुकी हैं और हवाएँ चलती हैं जिनसे स्किन खुश्क भी होती है, स्किन ड्राई भी हो जाती है और रंग तो जो आपने गर्मियों में काला कर लिया टैनिंग उसको तो पहले तो इतनी शदीद गर्मी थी कि हम दिन टाइम कुछ भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि हम दिन को लगाएंगे। और किस चीज़ से हमने रंग गोरा करना है? तिब्बत क्रीम से, हमारी जानी पहचानी और नामवर सी तिब्बत क्रीम, देसी क्रीम। और इसके सबसे पहले बेनिफिट्स आपको दूँगी कि इसमें कोई केमिकल नहीं होते, बहुत ही अमेजिंग क्रीम होती है। इसको थोड़ा सा हमने तैयार करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं जो हमारी बिल्कुल ग्लोइंग क्रीम बन जाएगी। ये केमिकल फ्री क्रीम वाहिद क्रीम है जो कि मैं जो है ना हर मौके पे लगाती हूँ और मेकअप के पहले बेस के तौर पर यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा बनाना है, इसको अपने अकॉर्डिंग हमने तैयार करना है। और कैसे करना है पहले भी आपको रेमेडीज़ देती रहती हूँ। और सबसे पहले ये है कि इसके अंदर ये जो है ना बहुत ही लो प्राइस है, तकरीबन 180 या 200 रुपए की मार्केट से मिल जाएगी ओरिजिनल क्रीम। उसके बाद हमने ले लेने हैं ये वाइटनिंग कैप्सूल, ये हाफ़ है, हाफ़ मैंने पहले बना के यूज़ कर ली थी। अब चूँकि मैं बनाने लगी थी तो सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ ये चीज़ें शेयर की जाएँ। ये वाइटनिंग कैप्सूल जो हैं इनको मैं 1 by 1 करके ना सारे इस क्रीम के अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए ये हाफ़ है, इसी के अंदर कर लूँगी। पहले मैं हाफ़ निकाल के ना तो दूसरी के अंदर दूसरी एक और बॉक्स था उसके अंदर मैंने बनाई थी, लेकिन अब ये हाफ़ रह चुकी है तो चूँकि सारे इंग्रेडिएंट इसमें डालूंगी। ये देखें आगे से छोटा सा इसके अंदर कैंची से या पिन से सेफ्टी पिन से सुराख कर लें और ये इजीली मिल जाते हैं। ये 10 रुपए का एक होता है वाइटनिंग कैप्सूल, मेडिकल स्टोर से किसी भी करियाना स्टोर से अच्छे से मिल जाते हैं। और ये मेरे हाथ से गिर गया इसको करते हुए, इसको मतलब के खोलते हुए। और ये 4 हाफ़ क्रीम, हाफ़ तिब्बत क्रीम में ये 4 हमने वाइटनिंग कैप्सूल डालने हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये आपकी स्किन पे कालापन ख़त्म कर देंगे, आपकी स्किन को ओरिजिनल तौर पर वाइट करेंगे। क्योंकि सुबह उठें, वज़ू करें, मुंह हाथ धोएं, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जब आप नाश्ता बनाने किचन में जाना है तो उससे पहले ही आपने ये लगा लेनी है। आपके चेहरे पे कोई पसीना नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी गर्मी के दिन तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और ये बना के इस तरीके से रख लें। ये देखें ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और ये उड़ के इधर उधर जा रहा था तो अब मैं इसका मतलब डायरेक्शन सीधा करती हूँ। और ये 3 हो गए, अब ये चौथा डालती हूँ और अच्छे से लगा ले। कोई मेकअप करना है, पार्टी है, वैसे भी ईद मिलाद आ रहा है, ईद मिलाद के मौके पर तो आपके लिए स्पेशल ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप चेहरा मेकअप करने के बजाय आप ये लगा लें, ऊपर हल्का सा फेस पाउडर लगा लें। मेरी तो बेस यही होती है और आपको भी मैं ये सिखाऊंगी। अच्छा, अब ये हमने 4 ये वाइटनिंग कैप्सूल डाल लिए हैं। नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या चीज़ डाली है? नेक्स्ट हमने डालना है अरके गुलाब। अरके गुलाब हमने कितना डालना है? जस्ट 3 से 4 ड्रॉप डालने हैं, चम्मच नहीं, बड़ा चम्मच भी नहीं, छोटा भी नहीं, जस्ट 3 से 4 ड्रॉप। ये देख लीजिए, ये मैं आपके सामने डालूंगी, ये देखें आराम से मैं डालती हूँ, ताकि ज़्यादा इसलिए नहीं डालना कि ये पतली ना हो जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन को ग्लो करने में अरके गुलाब और मदद करता है, आपकी स्किन को फ्रेशनेस देता है, आपकी जो छाइयाँ वगैरह हैं ना उनको कम करने में मदद देता है। वैसे तो तिब्बत क्रीम के ख़ुद भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब हम इनमें ये चीज़ें शामिल करेंगे ना तो इसको 4 चांद लग जाएंगे। ये अगला इंग्रेडिएंट आ गया इवियन के कैप्सूल, ये भी बाज़ार से बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये देख लें, ये ग्रीन कलर के हैं, 600 mg हैं, यही स्किन के लिए यूज़ होते हैं। एक 400 mg होते हैं वो खाने के लिए यूज़ होते हैं, वो स्किन पे लगाने के लिए यूज़ नहीं होते हैं। और ये आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल लेना है और फिर उसके बाद ये देखें ये डालेंगे। इसके ये है कि ये भी फाइन लाइन्स को ख़त्म करता है, ये फ़ाइन लाइंस को ख़त्म करता है। और फ़ाइन लाइंस को ख़त्म करने के बाद आपकी स्किन परफेक्ट हो जाएगी, ग्लो करेगी और तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगे। आपकी स्किन के पैचेस, ब्लैक पैचेस और जो हैं आपकी
सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपके चेहरे के जो प्रॉब्लम्स हैं ना ये ख़त्म हो जाएंगी इसकी मदद से। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे, अच्छे से बना के रख लेंगे। सुबह उठना है, लगाना है। अगर आपने मेकअप करना है पहले ये लगा लेनी है, उसके बाद आपने बेस लगानी है, फिर आपने मेकअप करना है, तो आपको कोई भी केमिकल नुकसान नहीं देगा। ये वैसे भी केमिकल फ्री क्रीम होती है, लेकिन अगर आप बेस से पहले इसको यूज़ कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अब आपने करना क्या है, करना आपने सबसे पहले ये है कि प्यारा सा कमेंट करना है और मुझे ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी साथ बताना है कि आप किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। और दुआओं में भी आपने याद रखना है, और जो न्यू है मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और फिर आप नेक्स्ट आपसे ये बात मैं करूँगी, और नेक्स्ट आपको बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग सी चीज़ें भी बताती जाऊँगी कि इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। और इसको मिक्स करना थोड़ा सा होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है ये देखें, लेकिन बहुत अच्छा टेक्सचर बन जाता है। एक और चीज़, अगर लेमन आप में इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेमन के 2-3 ड्रॉप ही ऐड कर सकते हैं अगर आपके चेहरे को सूट करते हैं तो। अगर नहीं करते तो ना करें, क्योंकि चेहरा ड्राई हो जाता है। कई लोगों की स्किन सर्दियों में भी ऑयली ऑयली रहती है, तो वो लोग फिर लेमन ऐड कर सकते हैं, वरना ये तीनों चीज़ें आप डालें। और यकीन करें आपको कोई भी नाइट क्रीम कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाज़ार की क्रीमें लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाज़ार की जितनी ब्रांडेड क्रीमें लेंगी वो आपकी स्किन को पतला कर देती हैं। स्किन को पतला होने के बाद जो है ना आपके चेहरे पर दाग धब्बे और दाने निकल आते हैं, एक्नी आ जाती है, जो कि बहुत स्किन ख़राब कर देती है। सो आज के लिए ये मेरा आपका था कि आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में, एक देसी सी चीज़ के बारे में बताऊं। काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हुई हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से ना उन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपसे नहीं कर सकी हूँ, रابطے में नहीं रह सकी हूँ और रेमेडी नहीं दे सकती हूँ। इससे ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी और कोई नहीं होगी। अब इसको मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी। आप ये ना सोचिएगा कि मैं ये अब ज़ाया कर दूँगी, अब इसके बाद मैं अपने चेहरे पर लगाऊंगी। और आप लोग भी अब फौरन वीडियो देख लिए तो आप फौरन जाके अपनी ये चीज़ें इकट्ठी कीजिए और बनाइए। ये बहुत ही लो बजट चीज़ें थी। हाँ जी, 1-2 कैप्सूल जो हैं वो आपको बाज़ार से मिलेंगे, लेकिन बहुत ही लो बजट चीज़ें थी। फिर से आपको कहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।